सभी साथी और सगाजनों को बता रहे हैं। आज हम लोग ये देखिए हमारा आयुष्मान भारत हेल्थ एंड बैलेंस सेंटर, देखिए ये हमारा आयुष्मान भारत हेल्थ एंड बैलेंस सेंटर गुढ़ाजोड़ केशवपुर पूर्वी सिंहभूम के हम उस क्षेत्र में आ गए हैं। जो दिखा रहा देखिए, और उस कुछ हमारा आदमी से हम मुलाकात करेंगे। ये देखिए ये लोग जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहा, वो लोग को आप देखिएगा, हाँ वो लोग को आप बातचीत सुनिएगा। हम उनको आज का वीडियो बहुत ही माने अच्छा होगा, अंत तक देखते रहिए। हमारा चैनल यूट्यूब कल्चर एडुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है, और सभी हमारा श्रोता या यूट्यूबर को सब हम जोहार करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो दादा आपका क्या नाम रहा? जितेंद्र महतो। जितेंद्र महतो, तो ये जो DDT ये तो सरकारी होता है? सरकारी। तो आप ये जो काम कर रहे हैं सरकारी काम कर रहे हैं? सरकारी काम कर रहे हैं। तो कितना दिन से ये काम कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं 1979 से। तो 1979 से आपको कितना मिलता है अभी? अभी तो मिलता है, अभी तो मोटा मोटी 500 रुपया मोटा मोटी पूरी डेली 500 रुपया। तो 500 रुपया आज का जो महंगाई के जमाने में 500 रुपये में क्या आपको घर संसार चलता है? चलता तो नहीं है, लेकिन क्या करें, उतना दिन से काम करते आ रहे हैं। अच्छा, आपको PF पेंशन? नहीं नहीं, PF नहीं करता, कुछ नहीं करें, खाली नो वर्क नो पे। ये देखिए आप तो सरकारी काम उतना दिन से करते हैं, आपको 3 साल नौकरी यदि कोई करेगा रेगुलर तो उसको सरकार ऑटोमेटिकली परमानेंट हो जाता है। 3 साल तो नहीं, यहाँ तो 90 दिन हम लोग काम करते हैं। अच्छा अच्छा, बस इतना ही। वो पहले तो 5 महीने काम होता था। अच्छा जी, पहले हम लोग का PF भी मैंने क्या बोलते साइकिल अलाउंस मिलता था, हाउस रेंट मिलता था, लेकिन हम लोग अभी कुछ नहीं, वो अभी खाली काम कीजिए पैसा लीजिए, मैंने नरेगा जैसा। तो यू तो बिहार सरकार में था? बिहार सरकार में उस समय था। अच्छा, अभी जो झारखंड अलग हुआ तो उसके लिए झारखंड सरकार ने आप लोग को क्या तोहफा दिया है? जैसे कुछ नहीं, कुछ नहीं। जैसे हमारा पारा टीचर लोग को 1000 रुपए में बहाली किया था, उन लोग को 24-25 हजार रुपये मिलते नहीं नहीं वो आज डेथ होने से या रिटायर होने से उसको 5 लाख रुपया दिया। कुछ नहीं, मेडिकल फैसिलिटी नहीं, बाकी आप लोग को कुछ नहीं? कुछ नहीं। तो ये तो मैंने हम हमारा चैनल के माध्यम से कहेंगे ये तो ठीक नहीं है। अच्छा, आपका हमारा ये जो ब्लॉक वाइज आप लोग का मैंने डीडी की छिड़काव होता है, पहले हमारा हर एक गांव में इसको छिड़काव करता है, लेकिन अभी हमारा गांव में तो नहीं होता है। ये तो आप लोग को देख रहे हैं कि कितने मैंने कौन कौन गांव में आप छिड़काव किए? हमारा इस साल तो हम लोग किए हैं खाली कालचिटी पंचायत में। अच्छा, और ये क्या बोलते हैं बागुड़िया पंचायत में चल रहा है। तो क्या मलेरिया केवल बागुड़िया और कालचिटी में होता है? सरकार जाने, सरकार जाने। तो क्या सब हम क्या बोले, हमको बोलने का कि हम लोग को बुलाया है, हम कर रहे हैं, इतने दिन काम करेंगे, साल में महीने मैंने साल भर में एक बार पैसा मिलता है, एक बार पैसा मिलता है, एक बार मिलता है, महीने महीने नहीं मिलता। अच्छा, जो फंड आता है एक बार। तो सुनिए, हम बता रहे हैं कि ये जो आपको एक गांव का तो नहीं, अभी तक तो सरकार का जो स्कीम चल रहा है या मलेरिया तो खत्म नहीं हुआ, बुखार है, दवा है, डॉक्टर है, हमारा अभी वर्तमान में जो अभी डॉक्टर है, विभाग का डॉक्टर है, तो वो यदि आपको 2-3 गांव के तो मलेरिया हर जगह में मलेरिया होता है, तो सबको तो छिड़काव होना चाहिए। वही तो बात है, हम लोग को बोलता है कि जहाँ हम बोलेंगे वहाँ कीजिए, बस सरकार का ऐसा निर्देश है, ऐसा बोल रहा है। लेकिन झारखंड का हम लोग अलग किया, वो हिसाब से तो नहीं किया? नहीं, सबके लिए आपको रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। तो आप लोग इतना दिन से जो आप काम रहे हैं 68 से कर रहे हैं, तो कितना जन आप लोग का है? अगले साल तो मैंने जो हम लोग काम कर रहे थे इस साल तो बहुत स्क्वाड घटा दिया है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर दो ग्रुप काम कर रहा था एक ब्लॉक में। अच्छा अच्छा अच्छा, मुसाबुनी में चार ग्रुप काम कर रहा था, 3 ग्रुप कर रहा है। अच्छा जी, डुमरिया में भी घटा दिया, पट्टा में भी घटा दिया, बड़ागुला में भी एक है, एक है पटंदा में, सब जगह घटा करके भी मैंने खत्म करने का ये में है, इसको बंद करने का। ये तो बंद तो नहीं होना चाहिए,
क्योंकि हमारा आदमी आदमी तो आज जनसंख्या जो वृद्धि हो रहा, जो हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा, घाट तो नहीं रहा, घाट नहीं रहा, और मलेरिया भी बढ़ रहा, दूसरा तीसरा भी बढ़ रहा, तो इसमें सरकार को तो ये जो जितना यहाँ जो यहाँ कोई सर्वे वगैरह नहीं बैठा है सरकार का कि इस ये बीमारी के जो हर एक चीज का, तो एक तो इसमें रिसर्च होता है, रिसर्च के बाद या उन लोग का माने जो उन लोग को बंद करने का या उन लोग का जो नियम अनुसार उसको बंद होता है या चलता है, उसके लिए तो कोई आयोग नहीं बैठा है, कोई कमीशन नहीं बैठा है, नहीं तो ये यदि ये तो उचित नहीं है, उचित नहीं है। लेकिन हम लोग का खाना दाना पानी भी, अरे इतना दिन से हम लोग इस डिपार्टमेंट में काम करते आ रहे हैं, यदि हम लोग का काम बंद हो जाएगा तो दूसरा डिपार्टमेंट में काम कहाँ होगा, क्या करेंगे? इतना दिन से सेवा दे रहे हैं आप, तो आपको तो भाई इसको मेहनताना मेहनताना तो मिलना चाहिए। कितना साल से काम कर रहे हैं? बोलिए था, आप लोग बोलिए बहुत भाई, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम पिल्लू माली है। अच्छा, तो कितना दिन से काम कर रहे हैं? काम करते आ रहे हैं 1979 से। 1979 से 79 79 से जी, तो अब तो बहुत साल हो गया जी। देखिए ना, अभी भी वो पीएफ पेंशन आपका भी नहीं मिलता? नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो एक ग्रुप में आप लोग कितना जन रहते हैं? 6 आदमी रहते हैं, 6 आदमी, 5 मजदूर रहते हैं, 1 तो ऐसे रहता है। अच्छा अच्छा, जब हम लोग काम करते आ रहे हैं, जब बिहार था उस समय हम लोग को 5 महीना काम मिलता था, अभी घटा दिया, अभी जब झारखण्ड अलग हुआ है उसी से, जब से अलग हुआ है तब से हम लोगों को काम भी घटा दिया है, 90 दिन का काम दे रहा है, तो तनख्वाह भी 1 साल के बाद मिलेगा। अच्छा, लेकिन देखिए हम हमारा यूट्यूब चैनल कहते हैं एडुकेशन ग्रुप की ओर से हम सरकार को संदेश यही देना चाहते हैं कि देखिए बिहार सरकार में जो इन लोग को 5 महीने का काम मिलता है, अभी 90 दिन का मिलता है, ये उचित है? आप लोग थोड़ा सा इसमें रियलाइज किए, सोचिए। आपका क्या नाम है? तपन महतो। तपन महतो, आप कितने दिन से काम कर रहे हैं? हम पिताजी कर रहा था, डेट हो गया 2000 से हम लोग काम किया था। अच्छा अच्छा, मैंने पिताजी का देहांत हो गया, डेट हो गया, डेट हो गया, डिपार्टमेंट काम किया था। अच्छा, तो उसमें डेट जो हुआ तो उसको कुछ पैसा मिला? ना, कुछ नहीं मिला। देखिए सरकारी हर एक विभाग में आपको मान पैसा मिलता है डेथ होने से, और दूसरा बात है उसको अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, आपका नियुक्ति हुआ है उसी आधार पर, उसी आधार पर ऐसा ही हुआ है, लेकिन आपको माने कोई कॉम्पेंसेशन या कुछ पैसा नहीं मिला। लेकिन इसमें देखिए मिलना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट में अभी 2 लाख सरकार घोषणा कर दिया, या नारे जो इसमें भी डेथ हुआ हमारा कोरोना में, उसको भी पैसा मिले, लेकिन इनको नहीं मिले, ये थोड़ा सा उचित नहीं है, इसके लिए विचार होना जरूरी है, हम बता रहे हैं। अच्छा, आपका दादा क्या नाम हुआ? बोनावाली महतो। आप कितने देर से काम कर रहे हैं? एक ही साथ में। आप लोग मैंने बहुत दिन हो गया, मैंने कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 30 साल। आपका दादा मैंने उसका नाम है नाम आपका क्या नाम है? अच्छा, तो आपका वही है अनुकंपा के आधार पर दोनों को अपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन अनुकंपा का जो सिस्टम है, नियम है, माने रूल के अनुसार उन लोग को तो माने कॉम्पेंसेशन मिलता है, और एक विभाग में थे और यहाँ नहीं दे माने दे रहा, तो ठीक है, बिहार सरकार ने जो सुविधा था हम वही कहेंगे कि बिहार सरकार में माने जो नियम था वो मिलना चाहिए। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये जो मेसिन आपका, ये आपको पाउडर, तो एक घर में आप माने किस बार माने हिसाब से आप लोग देते हैं, माने इसको छिड़काव कैसे करते हैं? इसको घर हम लोग घर घर जाते हैं जी, उसको पूछते हैं। हाँ, तो घर पर हर घर में देने के लिए हम लोग बोलते हैं। अच्छा अच्छा, हर रूम में जहाँ पर आदमी सोता है। हाँ, यहाँ पर बच्चा सब जगह मलेरिया का जो बीमारी है, जर्म है जी, तो मच्छर आएगा उसमें बैठेगा तो उसका जर्म खत्म हो जाएगा, इसलिए हम घर के घर रूम में देने के लिए आवेदन करते हैं जी, जैसा जो जैसा सोचता है होता है जी, लेकिन हम लोग घर घर में जाते हैं, घर रूम में देने के लिए बोलते हैं। मान लीजिए जगह जाते हैं, इतना बड़ा यदि होगा इसमें आप कितना छिड़काव कीजिएगा? ये तो माने 15x20 होगा ही। हाँ, ये कम से कम आधा किलो लगेगा। तो हम जो पहले देखते थे तो माने दो तरह का माने दिया जाता था, एक तो ये DDT हो गया और एक तो क्या पाउडर भी उस किसी का डाइजर
बार्जिनल डजनल अभी सप्लाई नहीं है, बोलिए ना तो सप्लाई था, सप्लाई था बोली। और दूसरा तीसरा विभाग में ठीक है, लेकिन हमारा ये जो हमारा जान को जो बचाने वाला डीडीटी, इसके लिए ये लोग कटौती कर दिए, कमी कर दिए, ये तो उचित हम नहीं समझेंगे। और अभी जो अलाउंस आप बता रहे BSF में था, ये मेरा कुछ अलाउंस नहीं मिलता ना, कुछ नहीं मिलता, काम करते हैं पैसा मिलता है, बस आज काम नहीं किया तो आज का पैसा नहीं मिलेगा। पहले तो रविवार का पैसा मिलता था, नियम तो ऐसे ही है। नहीं, पहले बिहार था उस टाइम हम लोग को छुट्टी का भी पैसा मिलता, छुट्टी का भी मिलता था। वो देखिए 15 अगस्त छुट्टी रहता था, छुट्टी है इतवार, अच्छा अच्छा इतवार छुट्टी भी पैसा मिलता था, लेकिन अभी कुछ नहीं मिलता। तो हम वही हमारा कल्चर एडुकेशन ग्रुप चैनल के माध्यम से हम सरकार को गुहार लगाते हैं कि आप थोड़ा सा आपका जो ईडी है, आपको CBI है या वगैरह का जो जांच पड़ताल करता है दूसरा तीसरा चीज के लिए, ये लोग को भी जांच एक तो बैठना चाहिए कि दीदी अभी जरूरत है या नहीं, या अभी मलेरिया हो रहा कि नहीं। हम तो देखते हैं भाई मलेरिया तो हो रहा, पिछला महीना मेरे को भी मलेरिया हुआ था, और ये आप बता रहे हैं कि मलेरिया नहीं हो रहा, ऑटोमेटिक जब तक खत्म नहीं होगा, ऊपर से तो नहीं टपकाता है, टपक के पड़ता है या नीचे से तो नहीं उठता है, ये तो बीमार है जार में, जैसे कोरोना आया उसका तो कोई लाया नहीं, और मलेरिया भी जानलेवा बीमारी है। इसके लिए तो माने हमारा सोचना चाहिए सरकार को, और इसके लिए माने जो नियम था बिहार सरकार में जो नियम था इसका भी होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए। यही हम सबको जोहार नमस्कार करके हमारा यही माने के विराम देते हैं, और आप लोग ठीक है बढ़िया से काम कीजिए, और यदि होगा तो आप थोड़ा सा हमारा जो BDO साहब है या DC को कम से कम एक आवेदन दीजिए, अवश्य दीजिए, ये हमारा सुझाव है, और सरकार को हम इस चैनल के माध्यम से आग्रह करेंगे कि कम से कम आप लोग जो मेहनत आना है आप लोग को मिलना चाहिए, और कम से कम 3 महीने में नहीं 5 महीने का जो था कम से कम वो भी लागू होना चाहिए। ठीक, जोहार जोहार झारखंड झारखंड।